हेलो गाइस, वेलकम टू गर्ल्स पावर। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूँ एक्स सिग्नेचर मेन परफ्यूम का हॉनेस्ट रिव्यू। तो बात करती हूँ इसकी एमआरपी की। इसकी एमआरपी है 190 रुपीज़। जस्ट पहले ये 210 रुपीज़ थी और कुछ दिनों से इस पर ऑफर चल रहा है, तो ये 190 रुपीज़ का हो गया है अभी। और इसकी क्वान्टिटी जो है वो है 122 ml है इसकी क्वान्टिटी। और बात करूंगी मैं इसकी पैकेजिंग की। सो इसकी पैकेजिंग आती है इस तरह के ब्लैक कलर के कार्डबोर्ड बॉक्स में। ये है एक्स सिग्नेचर परफ्यूम है ये। और इस परफ्यूम की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि इसमें मतलब 0% गैस है, यानी इसमें गैस थोड़ा सा भी नहीं है। ये पूरा लिक्विड बेस में है परफ्यूम। और उसके बाद आपको इसमें कई सारे फ्लेवर मिल जाएंगे। सो जो इसमें मेरा फ्लेवर है वो है कार्पोरेट फ्लेवर है। आपको इधर मेंशंस रहेंगे फ्लेवर, ये कोई सा भी आप लोगे जो इससे मेंशंस रहेंगे इनमें फ्लेवर, तो आप इधर ट्राई कर सकते हो। और रेट इनका इधर शो हुआ है, सो इनकी क्वांटिटी भी इधर ही मतलब सो रहेगी। और इनकी जो मतलब की पैकेजिंग है थोड़ा रॉयल पैकेजिंग है, अच्छी लगती है देखने में। सो आप इसे लाइक अच्छा खासा स्टोर भी कर सकते हो, डिस्प्ले के तौर पे रख भी सकते हो इसे। और बात करती हूँ मैं इस परफ्यूम की, जिनको मतलब बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होती है, यानी कि एलर्जी होती है, उस सेंसिटिव स्किन है, जिनको परफ्यूम से एलर्जी होती है, प्लीज़ वो इसे ट्राई ना करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा केमिकल है। इसमें कोई भी हर्बल प्रोडक्ट नहीं मिलाया गया है। तो जिनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, जलन होती है, या फिर परफ्यूम लगाने के बाद जलन होने लगता है, बर्न होता है, वो इस परफ्यूम को ट्राई ना करें, क्योंकि पूरा का पूरा एक केमिकल है। और परफ्यूम को मतलब ट्राई करने से पहले इनमें जो इनका रूल दिया होता है कि कैसे इसे अप्लाई करना है, कितने दूर से रखें, कितने सेंटीमीटर से अप्लाई करना है, तो प्लीज़ उसे पढ़ लिया कीजिए, तब फिर परफ्यूम को बाई कीजिए और फिर परफ्यूम को अप्लाई कीजिए आप। और बात करती हूँ मैं इसको ओपन करती हूँ सो इस परफ्यूम को। सो अंदर से भी इस तरह से इसकी बॉटल होती है, जो ब्लैक कलर के इसका कैफ है, और नीचे टिन की ये बॉटल होती है, जिससे कोई भी लोकल परफ्यूम होता है वैसे भी होता है, जो कोई भी नॉर्मल परफ्यूम होगा सॉरी। और जो इस परफ्यूम में ये है यूनिलीवर, और इसमें थोड़ा जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा बर्नन वाला फ्लेवर है, यानी आपको थोड़ा सा जलन हो सकता है। अगर थोड़ा सा आपको बर्न हो तो नो प्रॉब्लम, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्न होता है परफ्यूम से, तो प्लीज़ आप ट्राई ना करें। और कोई भी परफ्यूम लेने से पहले आप उसे मतलब यूज बिफोर भी देख लीजिए, उसका मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और उसे यूज बिफोर यानी कब तक उसे यूज करना है ये जरूर देख लें, क्योंकि आपको परफ्यूम से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप ऊपर परफ्यूम करते हैं तो। तो इधर मेंशंस रहता है इनका डेट कि आपको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, और ये पूरा का पूरा फुल केमिकल है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया है ये। बट ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी अच्छा इसका मतलब परफ्यूम का फ्रेग्रेंस है, इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा है। तो इसमें आपको 4-5 फ्लेवर अवेलेबल हैं, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और कोई सा भी परफ्यूम लेने से पहले आप उसका मतलब रिव्यू देखा कीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, फिर उस परफ्यूम को ट्राई कीजिए। और जो ये परफ्यूम है, अगर आप इसे ऑनलाइन बाई करते हो तो इसकी जो प्योर एमआरपी है वो है 190 रुपीज़। जस्ट आप ऑनलाइन बाई करते हो तो आपको ये 160-170 का अक्रॉस पड़ जाएगा ये। और अगर आप इसे मार्केट में परचेज करते हो तो आपको ये प्योर रेट पे ही मिलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी वो डिस्काउंट नहीं करते हैं। तो आप ज़्यादातर इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, और ऑनलाइन परचेज करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि नायका, मिंत्रा, उसके बाद फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, तो आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हो। जस्ट मैं इसे ओपन करती हूँ तो जो ये परफ्यूम है इस तरह से रहता है अंदर, वो भी सेपरेट टाइप का है ये। सो मैं इधर अप्लाई करती हूँ तो आप देख सकते हो इधर पूरा का पूरा ये लिक्विड बेस है, ये देखें पूरा का ये पूरा लिक्विड बेस है। और जस्ट कोई सा परफ्यूम लेने से पहले अगर आप उसे ले रहे हो और उसकी इसमें डायरेक्ट अपने आप मतलब बॉडी पे ना अप्लाई करें, डायरेक्ट परफ्यूम को बॉडी पे ना अप्लाई करके आप जो कैप होता है उस कैप में ऐसे स्ट्रोक आप कीजिए, उसके बाद इसकी फ्रेग्रेंस कीजिए, फिर आपको इसका पता चलेगा इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। और ज़्यादातर आप हाथों पे परफ्यूम अप्लाई करोगे तो बहुत सारे परफ्यूम हम चेक करते हैं तो उसे भूल जाते हैं कौन सा फ्लेवर किसका था और कौन सा फ्लेवर किसका था। इससे अच्छा परफ्यूम लेने से पहले उसके कैप में अप्लाई करो, और जस्ट ये परफ्यूम को बहुत अच्छे मतलब इसकी फ्लेवर का पता चलता है, कैसे इसकी फ्रेग्रेंस है, कैसे कौन सा इसका फ्लेवर है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। और जिनको लॉन्ग लास्टिंग फ्लेवर मतलब कि परफ्यूम चाहिए वो इसे ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, अच्छा होता है, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। और उसके बाद जिन गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि परफ्यूम थोड़ी देर बाद मतलब कि उड़ गया, इसकी स्मेल नहीं आ रही है, फिर वो लोग ज़्यादातर मैन परफ्यूम ट्राई करें, क्योंकि मैन परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो आप मैन परफ्यूम ट्राई कर सकते हो। सो वैसे वोमेन एंड मैन परफ्यूम का रेट मतलब कि बराबर ही होता है, बट आप मैन परफ्यूम ट्राई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो आप मैन परफ्यूम ट्राई कर सकते हो। और अगर आप मतलब कि ये परफ्यूम लगाना चाहते हो, इसे अप्लाई करना चाहते हो, तो थोड़ी देर मतलब कि इसे आपको
पता नहीं है कि आपको परफ्यूम से एलर्जी होती है या फिर कोई वो इरिटेशन होता है, तो परफ्यूम लगाने से पहले मतलब अगर आपने इसे बाई कर लिया है तो आप जैसे परफ्यूम हम थोड़ा डिस्टेंस से अप्लाई करते हैं, बट परफ्यूम आप काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से इसे अप्लाई करना। उसके बाद आपको अगर मतलब बर्न होगा तो पता चल जाएगा आपको इस परफ्यूम से आपके स्किन पे सूट नहीं करेगा परफ्यूम, और अगर आपको नहीं बर्न हुआ तो आप ये परफ्यूम बाई कर सकते हो। सो जस्ट मतलब ये टिप रही कि अगर आपको नहीं पता है कि आप परफ्यूम कैसे लो, आपको इससे जलन होगी नहीं होगी, प्लीज़ आप इस तरह ट्राई कर सकते हो इसे ज़्यादा ज़्यादा नज़दीक लेके। और कभी भी परफ्यूम अप्लाई करने मतलब करते वक्त आप अपनी आँखों को मतलब ओपन करा करो, उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस से परफ्यूम अप्लाई करो ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि ये पूरा पूरा केमिकल होता है। तो आप इस तरह से इसे ट्राई कर सकते हो फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू, मतलब थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।